हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं रविशंकर सिंह, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आपको स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी बिहार ब्रांच से। तो यहां पे हम चलते हैं क्लासरूम में, देखते हैं कि हमारे इंजीनियर्स ने क्या परफॉर्म किया, इन 15 दिनों में क्या सीखे। चलिए हम इंजीनियर से बात करते हैं कि एस्टिमेशन के क्लास में उन्होंने क्या सीखा। हाँ इंजीनियर्स, तो यहां पे देखिए हम बात करते हैं अपने इंजीनियर से कि उन्होंने क्या आज कर रहे हैं। बताइए सर, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप आज क्या परफॉर्म कर रहे हैं। आज यहां पे आप प्लम्बिंग आइटम्स का एस्टिमेशन कर रहे हैं और उसको DSR के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी पूरी बिलिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर? जो भी इसके ड्राइंग के हिसाब से इसका लेंथ और नंबर ऑफ आइटम फाइंड करके और ड्राइंग, तो सर वो इसमें PDF फाइल में सर वो देखे थे। तो जो भी ड्राइंग है, ड्राइंग के हिसाब से इसकी टोटल लेंथ फाइंड कर लेंगे, इनलेट आउटलेट डिस्ट्रीब्यूटरी का। उसके बाद उसमें कौन कौन सी फिटिंग्स आइटम कहाँ कहाँ लगना है, कहाँ पे जंक्शन लग रहा है, कहाँ पे टी पॉइंट लग रहा है, कहाँ पे वाल्व लगेगा, उसके टोटल ऑफ नंबर कैलकुलेट करके उसका जो DSR के हिसाब से रेट है उससे उसको मल्टीप्लाई करके उसका फाइनल BOQ निकाल रहे हैं। क्या इंजीनियर से सुन पाते हैं कॉलेज में जब वो पढ़ रहे होते हैं? अरे नहीं, इतना डिटेल में तो नहीं सुन पाते। नहीं ओवर 15 दिन आप क्या सीखे? 15 दिन में एक बिल्डिंग का टोटल कॉस्टिंग, वो स्टार्टिंग से लेके और उसके क्या क्या CPWD के नॉर्म्स होते हैं और कैसे DSR पढ़ा जाता है, कैसे BOQ बनाया जाता है, कैसे एस्टिमेशन किया जाता है, इन सारे चीज़ों को पढ़ा। थैंक यू सर। आइए आप अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग से मिलते हैं, इन्होंने क्या, हाँ बताइए कि नहीं है सर, आप क्या कर रहे हैं आज? सर आज हम लोग प्लम्बिंग के बारे में जाने हैं क्योंकि बिल्डिंग एस्टिमेशन में हम लोग को प्लम्बिंग भी ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग प्लम्बिंग के बारे में जाने हैं और उसके आइटम्स के बारे में जाने हैं, उस आइटम्स का क्या रेट है और उसका पूरा बिल्डिंग में जितना प्लम्बिंग से यूज होता है उसके आइटम्स का सारा डाटा क्वांटिटी निकाल के उसे SOR से जो रेट मिलता है उसे SOR से मल्टीप्लाई करके हम लोग बिल ऑफ क्वांटिटी निकालते हैं। सर कैसे निकालते हैं सर बिल ऑफ क्वांटिटी, कहाँ से रेट कहाँ से ले रहे हैं? सर रेट SOR से हम लोग लेते हैं, DSOR डेली शेड्यूल ऑफ रेट, उससे हम लोग लेते हैं जो कि 2018 का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है सर। यस सर। और क्या क्या सीखें? और हम लोग वही एक्सेल पे एस्टिमेशन कर रहे हैं इसका बिल्डिंग प्लम्बिंग का आज। कॉलेज में हम लोग ये सब नहीं सुने थे, कॉलेज में हम लोग को बस नॉर्मली बस पढ़ाया गया था कि हाँ ये चीज़ होता है, पर उतना ये सब नहीं होता है कि DSR भी होता है कि क्या होता है, इसका एस्टिमेशन इतना डीपली नहीं पढ़ाया गया था। तो हम लोग इस ट्रेनिंग में हम लोग पूरा डिटेल सीख रहे हैं, एस्टिमेशन करना उसका क्या होता है, कैसे क्या होता है, सारा डिटेल सीख रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट इंजीनियर से मिलाना चाहेंगे आपको। हाँ मंजय सर, तो क्या कर रहे हैं आज आप क्लास में? सर CPWD के अकॉर्डिंग हम जितना भी बिल होता है एक एस्टिमेशन करते हैं, कोई भी बिल्डिंग्स का जितना बिल निकालते हैं, जैसे प्लास्टर का कॉस्ट निकालते हैं, पेंट का कॉस्ट निकालते हैं, ब्रिक्स का कॉस्ट निकालते हैं अकॉर्डिंग टू CPWD के अकॉर्डिंग, जो भी रेट रहता है उसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी का उसको हम वहाँ से उसका रेट को और उसका नंबर ऑफ आइटम्स या स्क्वायर फीट जितना रहता है उतना हम मल्टीप्लाई करके एक एस्टिमेट बनाते हैं। जैसे ये बिलिंग से ये सीट हो गई, एक्सेल सीट पे पूरे वर्क हम एक्सेल सीट पे ही करते हैं। इधर दिखाइए, अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे यहाँ पे इनको दिखाइए, यहाँ पे एक्सेल सीट पे जितना भी बिलिंग एस्टिमेशन वर्क होता है सभी का सभी वर्क यहाँ पे दिखाया जाता है, जितना वर्क होता है, जितना मटेरियल्स लगता है क्यूबिक में है या स्क्वायर फीट में है, उसका CPWD के अकॉर्डिंग जो रेट लिए रहते हैं उसको मल्टीप्लाई करके उसका रेट हम एनालिसिस करते हैं और टोटल जो बिल्डिंग में वर्क कॉस्ट लगता है पूरे टोटल बिलिंग करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं, पेंटिंग वर्क करते हैं, प्लास्टरिंग वर्क करते हैं, उसके बाद स्टील एल्यूमिनियम जो वर्क करते हैं, जितना भी जिसको कॉस्ट लगा रहता है सभी का सभी CPWD के अकॉर्डिंग ही हम लेते हैं और टोटल कॉस्ट हम बिलिंग निकालते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो आइए हम अपने नेक्स्ट इंजीनियर से मिलाना चाहेंगे। सर SOR क्या होता है? SOR होता है सर जो जैसे हर एक स्टेट का अलग अलग होता है और एक सेंट्रल का होता है, हर एक स्टेट का सर एक जो PWD होती है वो रेट फिक्स करती है, आइटम के रेट फिक्स करती है जो कंस्ट्रक्शन आइटम है उसे SOR कहते हैं। जैसे CPW है केंद्र का जो उसको DSR कहते हैं,
वो केंद्र सरकार का हुआ, जो अपना रेट फिक्स करते हैं, जो CPWD के नाम चलती है उसी रेट को सर हम एस्टिमेशन या बिलिंग करते हैं, उसी रेट से हम करते हैं। तो आप जिस प्रोजेक्ट को कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का कितना आया? हम जिस प्रोजेक्ट का कर रहे हैं जिस पर उसमें उसका टोटल मटेरियल का सर आया है 1 करोड़ 33 लाख और प्लम्बिंग का उसमें आया है 7,81,000। पंद्रह दिनों सर हम शुरू से लेकर लेआउट, एक सेंट्रल लेआउट से लेके और एक बिल्डिंग का एक पूरे फुल एस्टिमेशन और प्लम्बिंग तक हम सीखे। क्या होता है सेंट्रल लाइन लेआउट? सेंट्रल लेआउट सर जो ड्राइंग मिलती है सेंट्रल लाइन लेआउट से सर हम अपनी फुटिंग की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पे कहाँ पे हमें फुटिंग देनी है, कौन सी फुटिंग देनी है, वो हम उसका फाइंड आउट करते हैं, उसका एक्सपेक्शन करते हैं, उस पर फुटिंग करके उसको हम बिल्डिंग बनाते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। आइए हमें नेक्स्ट इंजीनियर से मिलाते हैं, अपने युगल सर से। आज का हमारा टॉपिक था प्लम्बिंग, जिसमें से मतलब पढ़ाया गया टाइप्स ऑफ पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स, इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप। और क्या होता है सर इनलेट पाइप? इनलेट पाइप जो कि मतलब नेचुरल NGL से वाटर को वाटर टैंक में जो पहुँचाता है उसी को मतलब इनलेट पाइप कहते हैं। उसका मतलब 50 mm का डाया होता है और इसमें से और एस्टिमेशन में हम लोग का पढ़ा मतलब फर्स्ट टॉपिक था साइट क्लीनिंग एग्जीबिशन। और साइट क्लीनिंग हम लोग करना क्यों जरूरी है? मतलब इसलिए करना चाहिए कि मतलब जैसे मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी हमको मतलब मटेरियल है उसका मतलब साइट के अंदर मतलब प्लॉट के अंदर अपना प्लान के अंदर नहीं रख सकते हैं, इसके कारण कि मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइड मतलब वर्क करने के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग बाहर में मतलब प्लॉट अपना प्लॉट के बाहर में रखते हैं इसी के लिए। ठीक है सर, और थैंक यू सर। जैसा कि व्यूअर्स देखा आपने हमारे इंजीनियर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे एस्टिमेशन क्लास में इन 15 दिनों में, तो इसी तरह से आप अगर टेक्निकल नॉलेज आप अपने आप में बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे सिविल गुरुजी को ज्वाइन कीजिए। नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पर 9111001234 पर कॉल कीजिए, वहाँ से हमारा काउंसलर टीम आपसे संपर्क करेंगे, आपको कैसे सीट बुक कराना सारा चीज़ एक एक चीज़ गाइड किया जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय।